चलो बेटा किताब निकाल ली आप लोगों ने। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस टाइम को पढ़ रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स। कौन सा पढ़ रहे हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। मैंने कल आपको जहाँ तक सारा रिवीजन ही करवाया था यहाँ तक, क्योंकि कल हम लोग उस क्लास में पढ़ रहे थे। तो ये मोबाइल बंद करो, इसका बोल रहे हैं ये बोट था नहीं, तो हम लोगों ने कल रिवीजन किया था ना पूरा। कल मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, सही है। मैंने क्या कहा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप सब लोगों को। देखो हमने पहले तो पढ़ा था कि बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा ये दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा था बायो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनसे कोई भी लिविंग बॉडी बनी होती है। मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी लिविंग बॉडी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स को पहचानने का, यानी मैंने कहा था अगर हमें देखना है कौन माइक्रो मॉलिक्यूल है और कौन मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो मैंने कहा था हम लोग क्या करें, कोई लिविंग पीस ले, लीवर ले लो या कुछ भी ले लो, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या करें, सिलरी फॉर्म बनाए उसकी, और फॉर्म बनाने के बाद उसको क्या करें, कॉटन के क्लोथ से फिल्टर करके देखें। अगर फिल्टर हो रहा है तो उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और अगर फिल्टर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि फिल्ट्रेट और क्या होता है, रिटेनेट। तो जो फिल्टर हो जाता है वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो फिल्टर नहीं होता है वो क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने दूसरा बताया था बेटा जिसका वेट 1000 डाल्टन से अगर कम है मॉलिक्यूलर वेट, तो उसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिसका ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो हो गए हमारे, हमने देख लिए माइक्रो कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं, कैसे हम पहचान कर पाते हैं। दूसरा मैंने कहा था माइक्रो का मतलब जैसे अमाइनो एसिड है वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसके बाद फैटी एसिड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल, और इसके बाद लिपिड हो गया क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैंने कहा था यहाँ पे एक्सेप्शन है लिपिड। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 700 डाल्टन, लेकिन फिर भी वो फिल्ट्रेशन फिल्टर नहीं होता, यानी रिटेनेंट में रहता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है वो, ठीक है। अगले हमने कहा था आपसे कि बेटा जैसे कि अगर आपको देखना है ऑर्गेनिक, देख लिया, अब देखना है आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप क्या करो, कोई लकड़ी का पीस लो, उसको सुखाओ, उसके बाद जला दो, और उसमें क्या बचेगी, राख, और जो राख होती है उसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। क्लियर हुआ इतना, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने बताया था, अच्छा एक बार बताओ जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो जो अर्थ क्रस्ट है अगर उसमें होंगे, वही तो लिविंग बॉडी में होते हैं, बस खाली थोड़ा बहुत परसेंटेज का अंतर होता है, किसी में ज्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं, ये हमने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मैंने कहा था अगर आपको ये देखना है कि लिविंग अर्थ, अर्थ क्रस्ट में और लिविंग में कितना, किस कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, वो ध्यान रखना, बकाया टेबल से कुछ भी याद मत रखना, ज्यादा नहीं पूछ रहा है। दूसरा हमने बताया था कि सेल के अंदर अगर हम देखें तो वाटर कितना होता है बेटा, 70 से 90%। इसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है प्रोटीन, क्या होता है, ये हमने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि हमने पहले पढ़ा था अमाइनो एसिड के बारे में, किस कारण पढ़ा था, अमाइनो एसिड। मैंने आपसे कहा था अमाइनो एसिड जो होते हैं वो टोटल 20 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें कुछ होते हैं इसेंशियल और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है सिंपल सा, जो हम डाइट के द्वारा लें, अपने फूड के द्वारा जो हमें मिले, और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में खुद से बन जाते हैं। भाई बहुत सारी प्रोटीन्स, यानी कि सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन तो है, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। अब हो सकता है कि हम खाने के साथ ना खा पाए प्रोटीन, तो कुछ ना कुछ और खाएंगे, और खाएंगे तो हमें वो अमाइनो एसिड मिलेंगे ही नहीं, और जब वो मिलेंगे नहीं तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एंजाइम नहीं बनेंगे। तो इसेंशियल इसीलिए वो वाले होते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है तब भी, नहीं होती तब भी काम चल जाता है हमारा, लेकिन जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी में हमेशा बनते रहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने कहा था 20 टाइप के अमाइनो एसिड के नाम भले ही आप याद मत करना, लेकिन आप इतना याद कर लेना कि अगर मैं आपसे कुछ अमाइनो एसिड का नाम बोलूं तो आप समझ जाओ कि ये अमाइनो एसिड है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अमाइनो एसिड है। और मैंने कहा था अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें आप लोगों को याद क्या करना है, आप लोगों को याद खाली इतना करना है बस, जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इसके बाद एसिडिक है, और कौन से बेटा, न्यूट्रल है और बेसिक है। ये 4 टाइप के अमाइनो एसिड आप याद कर लेना। बकाया मैंने कहा था कि अमाइनो एसिड के बारे में बहुत कुछ बताया भी था, मैंने कहा था जैसे
अमीनो एसिड की चेन से क्या बनती है, प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। यानी कि 20 टाइप के अमीनो एसिड से हजारों टाइप की प्रोटीन बनी है। जितनी भी हमारी बॉडी प्रोटीन है सारी किससे बनी है? 20 टाइप के अमीनो एसिड से, ठीक है। और वो अमीनो एसिड क्या करते हैं, उनकी चैन होती है और उनसे सारी हमारी प्रोटीन बनी होती है। बस डिफरेंस इतना होता है कि अमीनो एसिड की चैन में कहाँ पे वैलिन है, कहाँ पे हिस्टिडीन है, कहाँ पे ल्यूसीन है, कैसी चैन बनी हुई है, वो डिपेंड करता है। और वैसे ही टाइप की क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कहा था फैटी एसिड के बारे में। किसके बारे में बेटा? फैटी एसिड। मैंने कहा था दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। मैंने कहा था सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है कि जिसके बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। तीसरा मैंने बताया था स्ट्रेट चैन होती है। और चौथा मैंने बताया था लगभग लगभग ये एनिमल फैट होती है। क्या होती है? एनिमल फैट। यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, लिक्विड नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्ट्रेट चैन होती है, लेकिन उसके साथ चैन बेंड हो जाती है क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पे जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आपने देखा होगा फैट जितना भी होता है कि कौन सा प्लांट भाई ऑयल होते हैं, इतने भी सारे कैसे रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब वो कौन से हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो मैंने आपको बताया था ये हमारा हो गया था यानी कि फैटी एसिड और ये हो गया था। इसके बाद बताया पॉलीसैकेराइड क्या था। तो मैंने आपको बुक कहाँ से नहीं पढ़ाई पहले बताऊ, मैंने वहीं से कर मैंने इनके बारे में सबके बारे में बता दिया था। हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये तो पढ़ेंगे। मैंने इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका बताया था आपको। मैंने कहा था बेटा मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो किसी बॉडी में लिविंग बॉडी में क्या कराएं, मेटाबॉलिज्म, क्या कराएं, मेटाबॉलिज्म। दूसरा मैंने कहा था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं और सेकेंडरी कौन होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जिस बॉडी में बने और उसी बॉडी में खर्च हो जाए, मतलब उसी बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म करवाएं। इसका मतलब वो कौन से होते हैं, प्राइमरी, सही है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि बने तो वो किसी और बॉडी में और उनका जो इनका खर्च हो यानी कि जो मेटाबॉलिज्म हो उनकी वो किसी दूसरी बॉडी में जाके हो या दूसरी बॉडी में जाके खर्च होने क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आप लोग जहाँ प्राइमरी लिखा है वहाँ हिंदी में लिख लो साफ साफ कि जो बनाए वही यूज करे, और जहाँ सेकेंडरी लिखा है वहाँ लिख लो साफ साफ कि जो यूज बनाए कोई और यूज करे कोई और, लिख लो, क्या दिक्कत है, आपको तो पता होना चाहिए बेटा। इतना हो गया तो हम लोग, आप लोग किताब निकालो बेटा, मैं भी किताब खोल रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोगों ने पूरा जो पीरियड में पढ़ा था वो मैंने कल आपको समझाया ही था खाली, ठीक है, पढ़ाया कुछ भी नहीं था। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो बेटा, पढ़ाई कर रहे हो। और अब्सेंट मत रहा करो, अगर आप अब्सेंट रहोगे बेटा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखो हमने, मैंने टेबल में कहा था मैक्सिमम कर लेना खाली, ठीक है, मैक्सिमम सेकंड जो मैक्सिमम है वो। इसके बाद ये हमने देखा था कि सेल के अंदर यानी क्या क्या होता है, कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये कौन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो इसे पढ़े हम लोग, यहाँ पे देखो टेबल बनी हुई है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 100%, ये दो तीन बार आ चुका है नीट में यहीं से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। खाली वो ये पूछता है बस कि सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं इसमें पिगमेंट्स, एल्किलॉइड, इनके नाम पूछ लेता है, टर्पिनोइड, एसेंशियल ऑयल हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, लैक्टिन्स हो गया, ड्रग्स हो गया, और पॉलीमेरिक क्या हो गए, सब्सटेंस हो गए। इसके बस नाम याद कर लेना। जैसे एक बार क्वेश्चन में ये पूछा था मॉर्फिन और कोडीन ये कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो आप लोग बताओ मॉर्फिन का यूज प्लांट क्यों करेगा भाई, कोडीन का यूज क्यों करेगा प्लांट, नहीं करेगा ना, कौन करेगा, हम लोग यूज करते हैं उसका। जैसे मॉर्फिन का यूज कुछ लोग तो नशे में करते हैं, लेकिन वैसे मॉर्फिन का यूज और भी होता है। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा सर्जरी टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें इसका दर्द को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉर्फिन का, सही है। तो ऐसे ही कोडीन का, इनका सब दवाइयों में यूज किया जाता है ड्रग्स के रूप में, लेकिन लोग ड्रग्स के रूप में कम करते हैं वैसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, समझ गए। इसके बाद आपका जैसे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, जहर जो भी होते हैं, लैक्टेंस, कौन इसका बताओ, कौन कह रहा है, वैलिन ए का यूज कहां मैंने पढ़ाया था बताओ, 12 से पढ़ा था 12 में, इसका इमिन है, हां बताओ, और
तो इम्यून सरफेस सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया, इन सब का हमारी लैब में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में ये बोल सकता हूँ एक ही लैंग्वेज में कि बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं और उनका यूज कौन करता है, ह्यूमंस की लाइफ में यूज होता है उनका, यानी कि होस्ट बॉडी में होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, मेटाबोलाइट्स का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो जो हमारी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्वमेंट हो, यानी किसी के भी लिविंग बॉडी के। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। कह रहे थे मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। यानी कि हम लोग बहुत सारे थाउजेंड ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, लिविंग बॉडी में फॉर्मेशन होता है या फिर क्या होते हैं, खर्च होते हैं। ठीक है, अगले कह रहे हैं इफ वन बर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड होगा, इसमें सुगर्स होंगी, ईटीसी, मतलब बहुत सारे हैं। आप लोग क्या लग रहे हैं, आपकी बॉडी, एक तो हमने बोल दिया कि सेल से बनती है, ये सबको बताया कि हमारी बॉडी किससे बनती है, सेल से, लेकिन बेटा सेल भी तो किसी से बनती है भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि मकान ईंटों से बना है तो ईंट भी तो किसी से बनी है, मिट्टी से बनी नहीं बनी है। ऐसी हमारी सेल किससे बनी है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया, यानी कि सुगर्स हो गई बहुत सारी, न्यूक्लिक एसिड हो गया जिसमें तुम्हारा क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजों से क्या बनती है, हमारी सेल बनी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो यही सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके बाद कह रहा है फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन, यहां पे कह रहा है एक कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है सिंपल सा जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं हमारी बॉडी में या फिर मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। आपको समझते हो मेटाबॉलिज्म क्या होती है भाई, आपको ये तो पता ही है कि लिविंग में मेटाबॉलिज्म होती है। जब मैंने द लिविंग वर्ड पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था आपको कि लिविंग का जो डिफाइनिंग फीचर है वो कौन है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऐसा कोई एनिमल्स नहीं है लिविंग जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो, और वो है तो कौन है, वायरस, इसीलिए हम उसको नॉन लिविंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नॉन लिविंग, क्योंकि उसके पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। समझ गए हम लोग, तो मेटाबॉलिज्म जो करवाते हैं उन्हीं को बोल सकते हैं हम लोग मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आज तुमने की स्कूल लड़ती अरे क्यों तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ फंक्शन हो रहा है तुम्हारा, इससे कोई मतलब नहीं है, जल्दी बच्चे इसलिए नहीं आए यहाँ पे, अभी वो आए नहीं होंगे ना, शुरू हो गया तो क्लास के बाद जाओगी यहाँ, अच्छा टीचर से ले आ जाए। अगले देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात देखो, कह रहा है इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शो इन फिगर, यहां पे फिगर दिया हुआ है 9.1 को ही, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। 9.1 कौन सा है, ये होती है, ये सब कौन है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कौन है बेटा, क्योंकि उसी बॉडी में सब उसी बॉडी में होती है ना ये, सही है कंपाउंड। इसके बाद देखो सर, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नॉन लिविंग नहीं, लिविंग में, लेकिन वो तो ये बता रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग की लिस्ट होती है एलिमेंट की, वो सेम होती है, ऐसा नहीं हो सकते कि नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म ना हो जाएगी, हाँ लेकिन हाँ ऐसा हो सकते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं लिविंग में होते हैं भाई नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म किसमें होती है, लिविंग में, नॉन लिविंग नहीं होती। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल क्या हो गए, एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर एसेंशियल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट, गम्स स्पीशीज, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी का मतलब सिंपल सा है, को बनाए कोई और यूज करे उनको, कोई और मतलब कहीं बनना है प्लांट बना रहा है, यूज कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो वो हमेशा किस में आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। ठीक है, प्राइमरी का मतलब सिंपल सा ध्यान रखो बस कि जो बनाएगा वही यूज करे उसे, तो हो जाएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी बॉडी में और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, होस्ट बॉडी में, मतलब दूसरी बॉडी में। क्लियर, आप लोग समझ सकते हो बात। कह रहा है व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये कहना चाह रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो जो बॉडी होती है उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो कौन सी बॉडी में हेल्प करते हैं, होस्ट बॉडी में, होस्ट का मतलब होता है किसी दूसरी बॉडी में, सही है। अगले देखो, कह रहा है बेटा ए होस्ट ऑर्गेनिज्म हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी खुद की
सुविधाओं में हेल्प करते हैं, भाई हमारा हेल्प करते हैं। ड्रग्स हो गया तो मजा आता है, ड्रग्स लेते तो मजा आता है, तो इसका मतलब ह्यूमन की लाइफ में क्या करना है, हेल्प कर रहे हैं, तो वो कौन हो गए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अरे लिखा नहीं है देखो यहाँ पे, अब तो हंस रहा बेटा, वो वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से वाले तुम सोच रहे हो, इसमें की बात कर रहा हूँ मैं, ये ड्रग्स। अच्छा ड्रग्स तो मेडिसिन भी होता है भाई, आपको सारे मेडिसिन कहाँ से मिलना है, प्लांट से तो मिलना है, और जितने मेडिसिन आपको प्लांट से मिलना है, हाँ जाओ, जितने भी मेडिसिन प्लांट से मिलना है वो सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आप लोग ड्रग्स का मतलब क्या समझते हो, अच्छा ये बताओ, नहीं समझते क्या हो, पहले बताओ, मेडिसिन समझते हो, लड़के तो लोग समझते सही ना, ड्रग्स बताओ क्या समझ लेते हो, अच्छा ड्रग्स का नाम लो तो कुछ लोगों के मन में वही आता है, नशा वाला सिस्टम है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ड्रग्स का मतलब होता है बेटा सिंपल भाषा में, देखो ड्रग्स का मतलब ना तो दवाई होता है जो तुम सोच रहे हो मेडिसिन, और ना जो तुम सोच रहे हो वो होता है, ड्रग्स का मतलब होता है जिसके हम एडिक्ट हो, वो हमारे लिए क्या होता है, ड्रग्स, चाहे वो कुछ भी हुआ। अब आप चाय के एडिक्ट हो, चाय आपके लिए क्या इस्तेमाल करेगी, ड्रग्स का, ड्रग्स का मतलब होता है सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ड्रग्स का मतलब होता है जिसकी आपकी बॉडी आपकी बॉडी को लत लग जाए, समझ गया। अब आप ये मत कह देना कि अगर किसी चीज की मुझे लत नहीं है मान लिया, अब वो चाहे भले ही नशा करती हो लेकिन वो ड्रग्स का काम नहीं करेगी मेरे लिए, ड्रग्स का मतलब हुआ कि तुम्हें लत लग जाए, तुम्हारी बॉडी एडिक्ट हो जाए, एडिक्शन, वो छूट ना पाएगा उसे, अगर तुम उसे छोड़ो तो फिर तुम्हारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम दिखाई देने लगे, वो होता है ड्रग्स। जैसे दवाई, दवाई होती है दवाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नींद की दवाई खाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, सही है, नींद नहीं आती तो वो क्या करते हैं, एक टैबलेट आती है वो लेते हैं डेली, अगर वो डेली ले रहे हैं तो इसका मतलब उनकी बॉडी क्या लग गई उसकी, लत, और लत लग गई बताओ बताओ बेटा तो वो क्या किसका काम करेगी, ड्रग्स का, किसका करेगी, ड्रग्स, समझ गए ड्रग्स क्या होता है, चाहे कुछ भी हुआ जिसकी आपको एडिक्ट हो जाओ वो क्या है, ड्रग्स। अगले देखो कह रहा है स्पाइसेस सेंट एंड पिगमेंट, सेंट वगैरह होता है, सेंट जो आपको लगते हो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी हमारी लाइफ में क्या होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, अच्छा इकोलॉजी तो हम जानते हो क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब हम लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं पूरा, और ह्यूमन का लाइफ से क्या है उसका लेन देन, वो सब हम डील करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है, तो इकोलॉजी पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। अब आता है हमारा टॉपिक कौन सा बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल, कौन सा आता है, पहले आप लोग ये बताओ, आप लोगों को ये तो पता है माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो का मतलब मोनोमर यूनिट वाले, जैसे आपका अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसको न्यूक्लियोटाइड, हाँ नाइट्रोजनस बेस, हाँ ठीक है, और तुम्हारा फैटी एसिड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, ये सब क्या है, माइक्रो, और इनसे जो बने होते हैं वो सब क्या होते हैं, मैक्रो, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मतलब पॉलीसैकेराइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, क्या होते हैं, मैक्रो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किस कितना ज्यादा होता है, 1000 से ज्यादा होता है हमेशा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक नया वो था, कर छोटा सा पोर्शन रह गया आपका, ये वाला नाइट्रोजनस बेस है, ये वाला, ये समझ लो आप लोग क्या है, वैसे मैंने कल बता दिया था कब कल बच्चे बहुत कमाए थे, आप लोग क्या कर रहे थे कल, हैं बारिश हो रही थी बेटा, बारिश का मान बताया करो, आ जाया करो, अब ऐसा तो है नहीं बीन जाओ, मुझे पता है जिस टाइम कोचिंग का टाइम था उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, उससे पहले हो रही थी, हाँ ये बात मानूंगा। तो तुम कहाँ से आते हो, दूर से, अरे दूर से तो आते हो, टेम्पो से आते हो रोडवेज से आते हो, टेम्पो से, टेम्पो के अंदर बैठ जाओगे तो कहाँ भीग जाओगे, अब तुमने सोचा होगा कि अगर बारिश होती रही तो उधर जाके भीग जाएंगे, ये प्रॉब्लम है, चलो की बात नहीं, अच्छा छाता लेके आते, इधर देखो, ए सबसे पहले ये बताओ नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं बेटा, कल मैंने कहा था आपको नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, आप लोग बताओ न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि न्यूक्लियोटाइड लगते रहेंगे आपस में, डीएनए की लेंथ को लेंथ बढ़ती जाएगी, मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है शुगर, पेंटोस शुगर होती है जो होती है डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज, दूसरा मैंने कहा था बेटा होता है फॉस्फेट ग्रुप, क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है नाइट्रोजनस बेस,
और इसमें तुम्हारा आपको बताया है डीएनए के पास होते हैं एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन, और बेटा उसके पास होता है किसके पास, आरएनए के पास होता है थाइमिन के लिए खाली यूरेसिल होता है, और बकाया सब कुछ वही होते हैं, यानी कि एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल, ये होते हैं आरएनए के पास। और डीएनए के पास क्या होते हैं, एटीजीसी, ये सब किसके पास होते हैं, डीएनए के पास। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है, अब मैं दोबारा दिखा नहीं सकता, उस वाले भाई बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। कल मैंने जितने बनाई दी है बहुत डिटेल में, तो बच्चे आज मैंने पता होगा सब। इसके बाद बताओ न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं बेटा, आप लोग फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो, सुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे उसे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहते हैं और आपको पता है डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। आपको यह भी पता होगा बेटा कि एडिनिन के साथ हमेशा लगता है थाइमिन और गुआनिन के साथ हमेशा लगता है साइटोसिन। मैंने कहा था ये होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा और ये वाला होता है बेटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये हमने देखा था, क्लियर हुआ। कल मैंने आपको यही बताया था कि डीएनए का जो नेचर होता है, डीएनए का नेचर आपको बताया बेटा, नाइट्रोजनस बेस बहुत सारे लगे हुए हैं डीएनए में, ठीक है, उनका हम कोई बॉन्ड नहीं कर सकते। आपको अगर पता हो, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि डीएनए की स्टडी करना बहुत आसान है तो ये बेटा बहुत कठिन काम है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि 2.2 मीटर का डीएनए होता है, हम तो पढ़ लेंगे उसको बेटा, उसका आप लोग उसके बारे में सोच सकते हो, वो आज तक का मेगा प्रोजेक्ट रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हर कोई प्रोजेक्ट हर कोई देश अकेले कर लेता है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ था तो उसको 6-7 देशों ने मिलकर किया था। उस टाइम उसकी कॉस्ट इतनी आई थी कि एक देश कर ही नहीं सकता था, समझ। और दूसरा सोचो 9 बिलियन बिलियन ही बोला, अच्छा मैं कहूँ मिलियन, क्योंकि मिलियन और बिलियन बहुत डिफरेंस है बेटा। एक मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, कितना होता है, और एक बिलियन में कितना होता है, 100 लाख नहीं 100 मिलियन, सोचो। और 9 बिलियन का मतलब सोचो कितना हुआ, आप लोग काउंट नहीं कर सकते, इतना रुपया हो गया। और वो भी ये किसमें था, डॉलर में। अगर इसे पैसे कन्वर्ट करूं तो मेरा पूरा भारत का पास इतना उस टाइम इतना पैसा नहीं होगा, हो सकता है होगा नहीं होगा कि उसमें इन्वॉल्वमेंट भारत का नहीं था। सही है, ये हुआ था प्रोजेक्ट, कब हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हो गया, 13 साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल का प्रोजेक्ट था। और इसमें कई सारे साइंटिस्ट ने ये किया था अध्ययन इसका, खाली किसके लिए, एक डीएनए की स्टडी करने के लिए, सोचो उन्होंने। लेकिन हमें बहुत सारी नॉलेज तो मिल गई कि एक डीएनए पे कितने जीन होते हैं, कौन से जीन का क्या, मतलब हम इतना स्टडी फिर भी नहीं कर पाए कि अगर हम, अगर बेटा पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी हो जाता तो हम लोग इतने आगे चले जाते मेडिकल हेल्थ में कि मुझे वो कल बता रहा था कि जब आप लोग बच्चा करते हैं अपना तो डॉक्टर आपको मीनू कार्ड तरह देता है, टिक करो बच्चे की कैसे शक्ल होनी चाहिए, कैसे उसके हेयर होनी चाहिए, कैसे उसकी आंखें होनी चाहिए, कैसा उसका कलर होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन सा जीन क्या फंक्शन करता है, वो आपके जो जायगोट होता है उसमें जीन का मैनिपुलेशन कर सकते थे। लेकिन अगर इतना आगे चला था सोचो तो हम लोग तो फिर क्या करते, क्या ही बात थी, ठीक है। लेकिन इतना ये करना बहुत कठिन था, यानी कि सोचो एक डीएनए की स्टडी करना कितना कठिन है। और आप तो अच्छा है कि नहीं, हाँ ये भी सही है, कुछ लेकिन ये नहीं हो सकता था, ये क्यों नहीं हो सकता, समझो। देखो मैं आपको बताऊं, एक जो सेल डिवीजन होता है, जैसे मेल की, देखो ये तो आपको बताया कि जो सेक्रेट डिवाइन करता है कौन करता है, मेल करता है, कौन करता है, मेल, क्योंकि मेल के पास होते हैं 22 पेयर प्लस एक्स वाई, ये तो होते हैं, और फीमेल्स के पास XX होते हैं, तो वहां पे तो हैप्लोइड कोई सेल बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 22 प्लस एक्स बनेगी, 22 प्लस एक्स बनेगी। लेकिन मेल का कौन बनेगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अब आप लोग ये बताओ, एक साथ, सही है, हाँ जो एक, थैंक यू, एक देखो, एक साथ सोचो, एक साथ सोचो कितने स्पर्म बन रहे हैं, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, 1 मिलियन लगभग, हाँ 1 से 3 मिलियन के बीच में स्पर्म होते हैं एक बार के इजाकुलेशन में, यानी कि 1 से 3 एमएल में 1 से 3 मिलियन होते हैं, एक एमएल में कितने होते हैं, 1 मिलियन। अब आप लोग ये बताओ, एक यानी तीन दो, दो एवरेज 2 मिलियन मान लो, 2 मिलियन स्पर्म में कैसे पहचानोगे कि कौन सा एक्स वाला है कौन सा वाई वाला है, बताओ। और वो भी, और एक बात और सुनो,
और वो भी बेटा वहां पे एक रेस लगती है, क्या लगती है रेस भाई, इजैकुलेट हुए वहां पे तो रेस लग रही है कौन सा ज्यादा, किस्मत की बात है, एक्स वाला ज्यादा गया तो क्या होगी फीमेल और वाई वाला ज्यादा गया तो क्या होगा मेल। अब डॉक्टर ऐसा तो करेंगे नहीं, डॉक्टर ऐसा तो करेंगे नहीं कि बाई वाले के क्रोमोसोम को रोक देंगे, वो एक्स वाले को रोक देंगे, बाई वाले को भेज देंगे, बाई वाले को रोक देंगे। देखें सुनो तो वो तब हो पाता जब एक बात समझ नहीं आता। देखो अब वहां वहां जाके देखो एग ने फर्टिलाइज कर दिया तो वहां जाके चेंज ना कर देंगे, समझे? ये तो बाहर की प्रोसेस है जो एक्स वाला जाएगा। हाँ अगर ऐसा फ्यूचर, सुनो सुनो एक बात और है, हाँ एक बात और सुनो, अगर ऐसा हो गया फ्यूचर में बेटा ये बातें मत करो आप लोग, अगर ऐसा हो गया फ्यूचर में कि कोई ऐसा वैक्सीन बन गया या कोई ऐसा वैक्सीन तो नहीं बोल सकते, कोई ऐसा इंजेक्शन बन गया कि जो ऐसा कर दे कि आपकी आपकी बॉडी में आप चाहो तो एक्स वाले मतलब ए बने और आप चाहो तो बाई वाले सर्वाइव करें मतलब, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई इंजेक्शन लगवा लिया, बाई वाले सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं, एक्स ही वाले सर्वाइव कर रहे हैं खाली, और एक्स वाले का इंजेक्शन लगवा लिया तो बाई वाले सर्वाइव कर रहे हैं, तब तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बहुत फिर बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, ये तो आपने वैसे आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे जो कहते हैं कि हमारे पास और रखा हो जाएगा, हमारे पास और लड़की भी रही है, ऐसा होता नहीं होता है, और लोग भरोसा भी दिखाते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाया बेटा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाली फीमेल जाती है, मेल कभी जाते भी नहीं है वहां पे, और वो कहते हैं कि उनकी वजह से हमारे क्या हो गया लड़का हो गया, भाई मेल नहीं गया और मेल की वजह से हो रहा, उन्हें ये भी नहीं पता होता है। आपने बहुत सारे गांव में ऐसे कहते होंगे जहाँ लड़की हो जाए दो तीन, तो जो एक फीमेल होती है उसको बेचारी को क्या सुनना पड़ता है अपनी सास के द्वारा कि तुम्हारी वजह से लड़की हो गई, मतलब ये सब होता है, लड़ाई होती है, लेकिन कर कौन रहा है लड़का, उन्हें स्टडी ये, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये स्टडी वैसे बायोलॉजी वाले को ही नहीं, ये स्टडी नॉर्मल सबको करानी चाहिए, चाहे कोई बायोलॉजी वाला हुआ, चाहे कोई मैथ वाला हुआ, चाहे कोई, जिससे आने वाले फ्यूचर में वो चीजों को समझ सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की किस्मत मानते हैं, किस्मत में लिखा तो ऐसा हो रहा है, किस्मत क्या है भाई, कर रहा है तो हो रहा है। देखो चलो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं, अब ये देखो क्या होता है, ये देखो डीएनए पे क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, क्या होता है बेटा नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था कि नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस में तीन तीन बेस से एक कोडॉन बनता है, क्या बनता है बेटा तीन तीन बेस से क्या बनता है एक कोडॉन, और जब ऐसे कोडॉन, और मैंने कहा था अमाइनो एसिड जो होता है वो किसी कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर मान लिया कोई, मान लिया जैसे मान लिया सपोज मानो बेटा ए यू जी है, ये सीक्वेंस में आया सही डीएनए के, तो हमेशा जो कोड होगा वो मिथियोनीन ही होगा, दूसरा अमाइनो एसिड नहीं होगा। ये वही हिसाब है कि अगर मेरा फोन नंबर डायल करोगे तो मेरा ही नंबर तो लगेगा भाई, किसी और को नहीं लग जाएगा, और आप ऐसा होने लगा कि लग जाता है कभी कभी, है किसी दूसरे लगाओ किसी दूसरे लग जाता है, ऐसा क्यों जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब बेटा देखो मैंने कहा था अब न्यूक्लियोटाइड जैसे अब ये है, ये देखो ये है, इसके साथ मैंने क्या रोड़ दिया पेंटोज शुगर, क्या रोड़ दिया बेटा, और एक लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, अब ये क्या बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, क्या बन गया ऐसे न्यूक्लियोटाइड उठते रहते हैं और डीएनए की लाइन बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, में कौन होगा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन, मतलब होंगे यही सारे। आरएनए केस में मैंने कहा था यूरेसिल होता है और डीएनए केस में क्या होता है थायमिन, बस इतना डिफरेंस होता है, बकाया सारे क्या होते हैं, क्यों डीएनए केस में थायमिन होता है और आरएनए केस में यूरेसिल होता है, ये बोला नहीं तो यही बोला। इसके बाद देखो कह रहा है व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, ये किससे अटैच होते हैं बेटा शुगर से, और उसे क्या बोलते हैं सर न्यूक्लियोसाइड, मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, क्लियर हुआ बेटा। अगर फॉस्फेट ग्रुप ना हो खाली नाइट्रोजनस बेस हो पेंटोज शुगर हो तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पे कह रहा है इफ अ फॉस्फेट ग्रुप आल्सो फाउंड, अगर हम उसको जोड़ दें तो क्या बोलेंगे उसको न्यूक्लियोटाइड, क्लियर हुआ। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर, अच्छा शुगर भी दो टाइप की होती है, डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होती है राइबोज शुगर, ठीक है, और साथ में जोड़ दो आप, अब देखो इधर वो कह रहा है एडिनोसिन ग्वानोसिन थायमिडीन यूरिडीन और क्या लिखा बेटा साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है अब सुनो ऐसी देखो ये एडिनोसिन हमने क्यों बोला है क्योंकि एडिनिन के साथ क्या लगा हुआ है पेंटोज शुगर, तो एडिनोसिन बोल दिया। अगर बेटा ग्वानिन के साथ लगा हुआ तो क्या बोल देंगे ग्वानोसिन, अगर
थाइमिन के साथ लगा हुआ तो थाइमिडीन, और यूरेसिल के साथ लगा हुआ तो यूरेडीन। समझ गए हम लोग? तो ये क्या हो गए? न्यूक्लियोसाइड। अब अगले कह रहे हैं एडिनिलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, और क्या लिखा है? सैटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। अब वही बात हो गई कि न्यूक्लियोसाइड है जो जैसे एडेनोसिन है, अब तुमने उसके बाद क्या रोल दिया? फॉस्फेट ग्रुप, क्या रोल दिया? तो आप उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एडिनिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? समझ गए बस? क्लियर हुआ बेटा? इधर देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या है, और ये क्या है? सुगर। और ये क्या लगा हुआ है? एडिनिन। आपको पता है एडिनिन क्या लगाता है? थायमिन लगा होता है। और इसके बाद क्या होगी? सुगर। और ये हो गया फॉस्फेट। अब ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्या? सही है। अब एडिनिन है तो इसको क्या बोलेंगे? एडिनिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? अब आप क्या करो, फॉस्फेट ग्रुप हटा दो तो ये क्या रह गया? एडिनोसिन। अब ये वाला पोर्शन है वो है न्यूक्लियोसाइड, क्या है, और ये पूरा है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ? ऐसे लगे होते हैं साथ साथ। मैंने कल बॉन्ड भी बताए थे आपको, जैसे मैंने कहा था फॉस्फेट पेंटोस सुगर से लगा होता है कौन से बॉन्ड द्वारा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड द्वारा। इसके बाद मैंने कहा था जो पेंटोस सुगर होता है और वो लगा होता है अगर नाइट्रोजनस बेस से तो कौन से बॉन्ड द्वारा? ग्लाइकोसिडिक। और दो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं कौन से बॉन्ड द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं बोल रहा हूँ दो नाइट्रोजनस बेस तो क्या लगे होते हैं? अच्छा एक बार एक क्वेश्चन आया था नीट में, उन्होंने कहा था कि दो स्ट्रैंड कौन से बॉन्ड जुड़े होते हैं? दो स्ट्रैंड डीएनए होता है उसके दो स्ट्रैंड कौन से बॉन्ड जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कॉमन सेंस लगाओ तो बता दोगे आप लोग? क्योंकि बेटा आप लोग बताओ, अगर ये देखो ये दो स्ट्रैंड है, यहाँ एडिनिन है साथ में क्या है? थायमिन। अगर यहाँ पे गुआनिन है साथ में क्या है बेटा? साइटोसिन। अगर यहाँ पे थायमिन है साथ में क्या है? एडिनिन। ऐसे लगा होता है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दोनों स्टैंड है जो, ये कौन से बॉन्ड? तो यही तो बॉन्ड जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर था क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बहुत बच्चे सोचते हैं, सर ने तो ये बताया था कि नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं, हम क्यों लगाएं डीएनए स्टैंड वगैरह से? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इतनी बात में, और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये समझ गए बेटा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। बस ये न्यूक्लियोटाइड से ही लगातार जुड़े होते हैं और डीएनए बन जाता है। बेटा आपको पता होना चाहिए एक बात, अगर डीएनए की बात थोड़ी थोड़ी और नॉलेज देते हैं, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, सही है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है ये नाइट्रोजनस बेस का नंबर कितना हो सकता है? इसका डाटा फीड करने के लिए, जैसे आप लोग होते हो, जैसे कोई डाटा होता है उसको फीड करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, जब इसका डाटा डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस का फीड करने के लिए, उस टाइम पे एक एरिया स्टार्ट हो गया था जिसे बोलते थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका मतलब था कि उस टाइम पे इतना डाटा रिसीव करने के लिए कोई डिवाइस नहीं थी कि खाली वो एक डीएनए के नाइट्रोजन बेस के डाटा को रिसीव खाली वो कर ले, सेव कर ले। आपको ये देखो, ये तो आपको ये अजीब ही लग रहा होगा अगर आपने थोड़ा सा आज से 10 साल पहले का जमाना देखा होगा। तो मैंने अपना जमाना देखा है जब 1GB की चिप देखी थी, मतलब आपने देखा होगा 1GB चिप आती थी, और जिसके पास 4GB होती थी तो वो तो सोचता मैं तो मेरे पास तो डाटा ही डाटा है, कितना ही फोटो सेव कर लूं। और आपने देखा होगा फोन के साथ 1GB कभी कभी फोन के साथ चिप नहीं मिलती थी ना, तो उसमें एक फोटो डिलीट किया तो दूसरा फोटो आता था, दो डिलीट किए एक मूवी ड्रामा के लाए वो डिलीट करोगे तो दूसरी आएगी, ऐसा करते थे। आज लोगों के पास इतना डाटा होता है, फोन में इतना होता है 64GB 128GB मिलता है कि आप लोग कभी उसको ही नहीं भर पाते हो। और किसी टाइम ऐसा था कि 1GB की चिप होती थी, ये अभी बता रहा हूँ 5-6 साल 7-8 साल पहले की, 8 साल पहले की कहानी है। अभी जब से जियो आया है जियो, तब से ये थोड़ा ये बहुत डेवलपमेंट हो गया एरिया, वरना बेटा 2015 का टाइम है, मुझे लगा ध्यान है 2015-14 में लोग यूट्यूब जानते नहीं थे क्या होता है, यूट्यूब नहीं जानते थे लोग क्या होता है, बस ये जानते थे कंप्यूटर पे जाना है, गाने पढ़वाने और ले आना है चिप। और ये कोई जा रहा है कि भाई हमारी चिप ले जाए फिर में डरवाना, 5 की 1 है 10 की 2, ये होता था, ये तो अभी होता था। सुनो जब से जियो आया तब से लोग यूट्यूब के बारे में जानते हैं, वरना पहले सोचते थे यूट्यूब क्या होता है, गूगल क्या होता है, कोई नहीं जानता था इनके बारे में, बिल्कुल कभी नहीं। 2010 में तो कुछ जानता ही नहीं होगा, मतलब नॉर्मली हाँ कुछ लोग जानते थे लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि गूगल क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है। अब तो आपका अब तो क्या, 1 साल का बच्चा भी यूट्यूब चला रहा है, डायरेक्ट रील देख रहा है, देखता है। चलो मुझे खूब ध्यान है 2012 में 2010 की बात है, उस टाइम टच फोन का इतना वैल्यू था 2010 में कि गांव में 80% लोगों ने टच फोन नहीं देखा था। 2010 की बात है, ये बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, सुन लो।
तो और ये प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1990 में। तो उस टाइम क्या हाल रहा होगा? तो इसको डाटा को सेव करने के लिए डीएनए के एक एरिया स्टार्ट हुआ था, जिसको हम आज यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि डिवाइस आ रही है बहुत सारी, कितना भी डाटा यूज वो कर सकते हैं हम लोग, स्टोर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट का ये मानना था इसका डाटा अगर लिखना है तुम्हें हाथ से पेन से, तो बेटा 3300 वो खर्च हो रही थी, और एक बुक में 1000 पेज थे, और एक पेज पे अगर हम 1000 नाइट्रोजन बेस लिखें तो इतना डाटा, समझे बात को? एक पेज पे 1000 बेस नाइट्रोजन बेस लिखें और एक बुक में 1000 पेज हों तो ऐसी 3300 बुक लग रही थी, सही है? तो ये सब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सब जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, क्योंकि जेनेटिक्स में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, क्या है वहाँ पे डीएनए है दूसरा चैप्टर में, तो बायोमोलिक्यूल्स वाले में। इधर देखो वो सॉरी कौन सा मॉलिक्यूलर बेस वाले। तो बेटा आप लोग ये समझ गए। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए हो गया, आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, डीएनए एंड आरएनए फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैंने बार बार बताया जेनेटिक मटेरियल हम उसे बोलते हैं जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, या हम बोल सकते हैं जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जो करे तो हमारी बॉडी कौन करता है, डीएनए तो करता है भाई, हमारे फादर हैं। अब कैरेक्टर की बात ये मत सोचना है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कर देता है, कि पापा अगर किसान है तो बच्चा किसान ही बनेगा, या पापा क्रिकेटर है तो बच्चा। अब ये आपको एग्जाम्पल सर बहुत है कि अगर कोई मूवी बनाता है उसका बच्चा मूवी वाला मतलब हीरो बनता है, वो बेटा माहौल ही नहीं होता है। इस चक्कर से अगर आपके पास फार्मर है तो आप लोगों को फार्मिंग खेती करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्या? वो सब आपको आता होगा, ऐसा लगता है जन्म से आता है। अगर तुमने आंखें खोली तो आपने फोड़ा देखा, आपने आंखें खोली तो आपने गन्ना बोता हुआ देखा, तो आपको ऐसा ना सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा कि भाई कोर्स करने लाओ कि गन्ना कैसे बोया जाएगा। आपके पापा एक दिन सिखा देंगे, चल भाई गन्ना बोलता है सिखाऊं कैसे सिला जाता है। दूसरा, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, समझे आपको? आप सोचो कि एमबीबीएस डॉक्टर है, सही है, और उसका बच्चा हुआ, तो बेटा उसे डॉक्टर बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे पता है कि पापा के पास इतना पैसा है, कहीं ना कहीं डिग्री करवाई देंगे प्राइवेट, और वो आके आराम से अपना हॉस्पिटल संभाल देगा, ठीक है, कुर्सी बैठ कर। लेकिन उससे कहा जाए खेती करो तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी कि गन्ना कैसे छीला जाता है, कैसे पानी ट्राली पे चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उस पे उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो माहौल का असर होता है खाली, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते। और ये हमें सबसे अच्छा समझाया था किसने बताओ, साइंटिस्ट का नाम बताओ, ये हमें सबसे अच्छा किसने समझाया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते? एक साइंटिस्ट थे बिस्मैन, कौन थे बिस्मैन, उन्होंने यही प्रूफ करने के लिए बेटा 22 जनरेशन तक पूंछ काटी थी एक चूहे की, समझ रहे हो, 22 जनरेशन। सुनो, उन्हें एक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए क्या किया, चूहा लिया पूंछ काट दी एक की, दूसरा चूहा हुआ उसकी पूंछ काट दी, तीसरा हुआ उसकी पूंछ काट दी, 22 जनरेशन तक ऐसा किया, लेकिन कभी भी चूहा पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं पैदा हुआ। और आप लोग ये बात देख सकते हो जो फीमेल्स के कान छिदे हुए होते हैं भाई, लगभग हरी जनरेशन होते हैं, तो क्या बताओ कोई लड़की ऐसी पैदा हुई जिसके कान छिदे हुए पहले से? नहीं हुई। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होते तो ये हो सकता था। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हम जन्म के बाद सीखते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। हाँ, और बेटा हमारे कभी एक्वायर्ड ट्रांसफर होने से कौन से कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे सोमेटिक सेल के होते हैं, मतलब यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारे, अगर हमारे पापा की दो आंखें हैं तो हमारी दो आंखें बनेंगी बच्चे की, अगर पापा के दो हाथ हैं तो बच्चे के दो हाथ बनेंगे, ये वाले कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। कौन लेके आता है, डीएनए। कौन लेके आता है, डीएनए। क्लियर हुआ ये सब बात? चलो अगले बढ़ते हैं बेटा। ये वाले डायग्राम जो है देखो, अब मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का मैं महारत नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ तरीके आपको बताए थे, मैं भी जो मैंने तरीके अपनाए थे भाई मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूँ कैसे याद करने। वैसे अगर आप लोगों को केमिस्ट्री आती है तो आपको सब भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। देखो ये देखो, पहले आते हैं बेटा अमाइनो एसिड, किसके आते हैं, ये स्ट्रक्चर है, और मैं अभी कह दे रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चाहो तो आप, अगर चाहो तो सर आते हैं केमिस्ट्री वाले
उनसे एक दिन कहना कि क्योंकि ये पोर्शन बायो मॉलिक्यूल से केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, उनसे खाली बस ये कहना, ये मत कहना कि हमारे सिर्फ क्या होते हैं, उन्हें वो नहीं पता पाएंगे, बायोलॉजी का पोर्शन है वो, आप खाली ये कहना कि ये स्ट्रक्चर के बारे में, पहली बात तो बच्चे मुझे इतने समझदार होंगे, समझते होंगे आराम से, तो सही है ना, तो क्या बात है, ठीक है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ बायोलॉजी वाला, ठीक है, कैसे याद करते हैं, ठीक है, ज़्यादा जाओ, मैंने ऐसा बाद में याद किया था, पहले तो मुझे केमिस्ट्री आती थी, ठीक है, यहाँ पे बताओ ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये यहाँ पे भी सब में होगा, ये तो कॉमन है, इसके बाद ये अमाइनो ग्रुप है, ये भी कॉमन है, और ये हाइड्रोजन लगाए कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि चार बैलेंसी होती है कार्बन की, तो उसके चारों हाथ घिरे हुए होने चाहिए, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, आर, मतलब जो तुम ये वाला लगा दो ग्रुप भाई ये बन जाएगा, तो मैंने ऐसे बताया था कि आप लोगों को ये तीन तो पता ही है, कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप, और एक तरफ क्या लगा है, हाइड्रोजन, आप लोगों को याद ऐसे करना है कि बेटा एच लगाओगे तो ग्लाइसिन, CH3 लगाओगे तो एडिनिन, वैलिनिन और CH2 लगाओगे तो खाली तीन दिए हुए बस पूरी किताब में, आप लोग तीन का बेटा ऐसे याद कर सकते हो बड़े आराम से, और मैं कहने नहीं कह रहा हूँ कि 10 के याद करो, खाली तीन के याद करने हैं बस आपको, ठीक है, अगले देखो यहाँ पे ये है शुगर, क्या है बेटा, मैंने आपसे ये कहा था ये वाले शुगर है, ये कौन सी है, राइबोज, मैं बार बार कहता हूँ ये पेंटोज शुगर है, कौन शुगर है, पेंटोज का मतलब ये होता है पांच कार्बन शुगर, और जब पांच कार्बन शुगर होगी, और बेटा आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2NON, ये आपको पता है ये बात, कार्बन फॉर्मूला ये तो होता है, और जब ये होता है तो पांच कार्बन होंगे यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे 10, तो ये कितने हो जाएंगे 5, समझ गए, तो ये इसका फॉर्मूला है राइबोज शुगर का, और यहाँ पे देखो होता क्या है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ऑक्सी और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस क्या है, खाली इस यहाँ पे एक एच लगेगा डीऑक्सी राइबोज में, एक जगह वो नहीं होगा, और यहाँ पे क्या है, दोनों जगह वो है, बस इतना याद रखना है, अब मुझे नहीं पता साइकिल क्या है कैसा क्या है, वैसे मैं बता सकता हूँ, एक कार्बन ये है, देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये चार हुए, ये है, पांच हुए, सही है, तो आप लोग क्या करना है, इसका ध्यान रखना है, खाली यहाँ पे OH दो जगह लगे, तो ये क्या है राइबोज, और डीऑक्सी राइबोज में कितना लगा हुआ, खाली एक जगह OH, और एक जगह क्या लगा हुआ, खाली एच, देख लो अगर खुद ठीक है, होगा नहीं, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसके बाद देखो एक बात मत करो, ये तुम्हारा पालमिटिक एसिड का है, और ये तुम्हारा किसका है, ट्राइग्लिसराइड, मतलब यहाँ पे तीन चैन होती है उसके, वो देख लेना, इसके बाद इसका मैंने स्ट्रक्चर याद कर लिया था, यहाँ पे पांच रिंग है, 27 कार्बन है, सही है, और तीन हाइड्रोजन ग्रुप है, ऐसा मैंने पूरा लिखवा दिया था बच्चों को, आप भी एक बार लिख लेना, ठीक है, और बेटा यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कितनी रिंग है, कितने कार्बन है, अब वहां गिनोगे तो नहीं बैठ के, 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बायोलॉजी में, ऐसे ही आएंगे, बनाने के लिए नहीं आएगा कि आप बना के दिखाओ, 12th तो ना हो, नीट में हो, तो खाली भू ही लेगा, जैसे कार्बन की बात करें, कितने होते हैं, 27 होते हैं ना, 27 कार्बन आप चाहो तो गिन सकते हो आराम से, सही है, जैसे अगर गिने तो देखो यहाँ पे ये सब कार्बन ही तो है, ये आप गिन सकते हो, तो आप लोग गिन के ऐसे लिख लेना, ठीक है, बकाया स्ट्रक्चर अगर आपको डॉट लगे तो केमिस्ट्री का सारा ठीक है, अगले आ जाओ बेटा, ये तो हो गया हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये तो बहुत दिया हुआ है, ये सब ये तो खाली फालतू बात है, कि अगर तुम क्या क्या होता है बताओ, इधर देखो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, डीएनए आरएनए, पॉलीसेकेराइड मतलब अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, और किसके बारे में पढ़ना है, लिपिड्स के बारे में, ठीक है, ये क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, कौन होते हैं, वैसे तो बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो मेन है वो कौन से हैं, यही है मैक्रो मॉलिक्यूल, अगले देखो बेटा, अब ये कह रहा है यहाँ पे लिपिड क्या है, एक्सेप्शन, अंडरलाइन करो, से करो बेटा इसे करो अंडरलाइन यहाँ पे, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, क्योंकि इसका देखो जो वो होता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 800 डाल्टन, ये लिखा होगा कहाँ, दे है मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 1 अप्रोक्सीमेटली, अरे वो सही है, चलो एक्सेप्शन क्यों होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 700 डाल्टन, चाहे लिख लो ऐसे बस, बकाया भूल जाओ सब कुछ, सही है, इसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल आप समझ गए, देखो ये है, ये लिखा तो है, ये लिखा है बेटा, द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस देन बाय डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, मतलब ये कह रहा है कि 800 डाल्टन से भी नीचे होता है, मतलब कितना होता है 700 डाल्टन, तो आप लोग इस लाइन को भी शर्म ना करो बेटा, यहां पे ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अगले देखो, अब आप लोग आ जाओ किससे, प्रोटीन पे, किस पे आ जाओ बेटा,
प्रोटीन। चलो इसके बारे में समझते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे कहा था सेल के अंदर अगर सबसे ज्यादा है कुछ तो वो क्या है? प्रोटीन। मतलब वाटर तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, वाटर को छोड़ के जो ऑर्गेनिक है वो सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन। यानी कितना है? 10-15% प्रोटीन है सोचो। और वाटर कितना है? 70-90%। इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि सेल के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटीन और वाटर ही है, और क्या है बताओ अगर इसके हिसाब से चलें तो। तो मैंने सिंपल भाषा में ये बोला था कि लगभग लगभग मान लिया करो कि हर एनिमल्स की जो बॉडी बनी है वो प्रोटीन से ही बनी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसलिए कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, दाल रोज खाया करो, ठीक है? दाल डेली खाया करो, यस दाल नहीं सोयाबीन भी खा लिया करो, लेकिन आप लोगों को प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी किसकी पड़ती है? प्रोटीन की। हाँ कुछ भी खाओ लेकिन डेली खाओ और प्रोटीन खानी चाहिए। अगले देखो, तो अब बोलो मैं बेटा इसके बाद आप सुनो, प्रोटीन्स मैंने बहुत बार बताया है कि अमाइनो एसिड की चैन से बनती है। एक बार और फिर एक बार कहानी सुना दे रहा हूँ, इसके बाद ज्यादा आप नहीं सुनाऊंगा, ठीक है? जेनेटिक्स में सुनाऊंगा। इधर देखो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझो बेटा। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि प्रोटीन का मतलब होता है, जैसे सपोज मानो, सपोज किसी का नाम, जैसे मेरा ही नाम ले लो, क्या है ये है। अब ये बताओ मेरे नाम में क्या है? ANSHU। अब मैं यू हटा दूं तो क्या बचा? ये अंश, ये मेरा नाम तो नहीं बचा, कोई दूसरा नाम हो गया। और ये लेटर जो आएंगे वो 26 लेटर में ही तो होंगे, मैंने कहा था 26 लेटर दुनिया के नाम बने हैं। अब मैं क्या कर दूं इस नाम में, क्या कर दूं? अब मत करो ज्यादा, इधर देखो मेरा नाम मैं ज्यादा नहीं करूंगा, इधर देखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसमें कुछ और लगा देता तो और कोई नाम बन जाता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे तो नाम जितने दुनिया में सब 26 लेटर से बने हुए हैं, यही सेम सिस्टम फॉलो होता है प्रोटीन में। खाली 20 अमाइनो एसिड होते हैं और 20 अमाइनो एसिड से करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनती है। बस डिफरेंस इतना है, किसी में वैलिन पहले लगा होगा, हिस्टिडीन बाद में लगा होगा, किसी में हिस्टिडीन पहले लगा होगा, वैलिन बाद में लगा होगा। मतलब जैसी चैन होगी किसकी? अमाइनो एसिड की, वैसा ही क्या बन जाएगा? प्रोटीन। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब ये देखो, अब इसका अगर हम बेस्ट तरीका देखेंगे कि क्या बनता, कैसे क्या होता है, तो वो ऐसा होता है बेटा, मेन किल कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? डीएनए। मैंने बार बार बोला है कि डीएनए है, उस पे जैसा सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस? जैसा सीक्वेंस इनका नाइट्रोजन बेस का ATGAC, सही है? सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजन बेस के बहुत सारे। अब बेटा ये बताओ, मैंने कहा था तीन तीन को लेके क्या बनता है? एक एक कोडॉन बनता है। क्या बनता है बेटा? कोडॉन। अब आप लोग बताओ हमारे डीएनए में क्या है? ये कोडॉन पहले आ रहा है, डिफरेंस क्या होता है देखो। और जो अगर हाथी का डीएनए होगा उसमें हो सकता है ये वाला कोडॉन कहाँ आ रहा होगा? बाद में थोड़ा। अब कोडॉन बाद में, और मैंने कहा था कोई कोडॉन होता है उससे अमाइनो एसिड क्या होता है? स्पेसिफिक, यानी उसी से बाइंड होगा। तो आप लोग बताओ अगर मैं ये कोडॉन है, अगर इससे वैलिन हो रहा है मान लिया, इससे हिस्टिडीन हो रहा है, तो ये चेन बनेगी। और डीएनए से क्या बनता है बेटा? एमआरएनए। क्या बनता है? ये क्या करता है? mRNA इसको कोड करके जाता है DNA को, और mRNA कहाँ आता है? राइबोसोम के पास। तभी तो हम लोग बोलते हैं राइबोसोम क्या है? हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है? अब राइबोसोम के पास आया, राइबोसोम क्या करता है? इसको फिर से पढ़ता है, और tRNA क्या बनाता है? एंटीकोडॉन। क्या बनाता है? एंटीकोडॉन, tRNA। और tRNA अब देखो इधर देखो, ये जो ये सीक्वेंस है वही सीक्वेंस ये लेके आया mRNA, और जो ये सीक्वेंस में जो कोडॉन आया देखो हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड टोटल, तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो पता है आपको कितने होते हैं बेटा? टोटल होते हैं 20 अमाइनो एसिड, ठीक है? अब आप लोग बताओ, हो सकता है कि आपकी बॉडी में 12 ऐसे बन रहे हो अपने आप, अब 8 ऐसे हैं जो नहीं बन रहे, लेकिन ये तो गॉड ने दिया होगा कि अगर आप प्रोटीन कभी नहीं खाओगे, मतलब कभी तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब बहुत कम खाओगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनकी डेली जरूरत है, लेकिन हम प्रोटीन नहीं खा पाते कभी कभी, तब भी काम चल जाता है। तो वो कौन से वाले होते हैं? नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब होता है जिसकी हमें जरूरत डेली नहीं है, और इसेंशियल का मतलब होता है कि अगर हम खाओगे तो अच्छा रहेगा, डाइट से मिलेंगे हमें, समझ गए आप लोग? और जब उनकी पूरी मात्रा, जो आप लोग बताओ, जब आप प्रोटीन खाते हो तो डाइजेस्ट तो होता ही प्रोटीन, और डाइजेस्ट किस में होता है? अमाइनो एसिड में,
भाई टूटता तो लास्टिन जाएगा अमाइनो एसिड में, और हमारी बॉडी जो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है कौन से फॉर्म में करती है, अमाइनो एसिड फॉर्म में, और वही सेल के पास जाके फिर ऐसे करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। समझ गए आप लोग? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के, चार स्ट्रक्चर होते हैं, कितना होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी, और चौथा होता है क्वार्टरी। ये स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्राइमरी है तो उसमें स्ट्रेट चेन होगी भाई, ऐसे लगे होगी वैलिन, इसके बाद हिस्टाडीन, ऐसे इसके बाद ल्यूसीन, इसके बाद लाइसीन, ये सब क्या है अमाइनो एसिड, इसके बाद प्रोलीन। अब ये स्ट्रेट चेन है उसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा है? सेकेंडरी का मतलब मैंने कहा था जो हेलिकल होता है ऐसे, तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी का मतलब होता है बेटा जो बुलन लायक हो, जैसे ऊन का बल्ला होता है ऐसे होता है, ये क्या है, अरे ऊन नहीं देखी तुमने, स्वेटर बनते हो तो ऊन का बल्ला, ये कैसा होता है, थ्री डी लाइक स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टरी का मतलब होता है बेटा जब दो अल्फा और दो बीटा यानी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का होता है। समझ गए हम लोग? तो ये तुम्हारे क्या थे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर थे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो आप लोग देखो ये बताओ कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, क्या है, और यहाँ पे लिखा है बेटा फंक्शन इसका है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है वो सब किसका होता है, प्रोटीन का, और जो कौन होती है, कोलेजन। कौन है? इसके बाद लिखा है ट्रिप्सिन, एंजाइम, एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, मैंने यही बोला था ऑल एंजाइम्स आर, सभी एंजाइम भी प्रोटीन बने होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें इंसुलिन, इसका मतलब हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके बाद एंटीबॉडी सब क्या होती है, प्रोटीन। इसके बाद रिसेप्टर इतने होते हैं, सब क्या होते हैं, प्रोटीन। ग्लट फोर है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल में जो करवाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लट फोर, वो भी किसका बना होता है, प्रोटीन। तो बचा क्या फिर, पूरी बॉडी तो हमारी किससे बनी है, प्रोटीन से। समझ गए हम लोग? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बात चीजें पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है देखो, पढ़ोगे, पढ़ लो। यहाँ पे देखो कह रहा है, वैसे आप लोगों को मैंने बहुत बार समझा दिया है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब यानी कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो लगे होते हैं कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसीलिए बोल रहे हैं इसको पॉलीपेप्टाइड, क्लियर, चेन होती है। कह रहा है दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शो इन फिगर 9.3। सिंपल सी भाषा में कह रहा है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और उसी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगले देखो कह रहा है ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर क्यों बोलना बेटा, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एज देयर आर 20 टाइप, कितने टाइप के होते हैं। अब यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, बताया मैंने कल आपको 20 टाइप के अमाइनो एसिड लिखवा दिए, कल लिखवा दिए परसों, सबके लिखे हुए किताब में, तुम्हारे से नहीं है, कहां है, अच्छा ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे एलिनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। मैंने आपसे कहा था कि नाम याद मत करना, लेकिन सिंबल आपको याद होने चाहिए। और दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड में सुनूंगा कभी नहीं, लेकिन आप लोग पहचान दो कि ये अमाइनो एसिड का नाम है, बस इतना, ठीक है। अगले देखो कह रहे हैं आप प्रोटीन इज अ हेटरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन में ऐसा नहीं होता कि वैलिन 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 ही लगा हुआ है, वैलिन हिस्टाडीन सब टाइप के लगे होंगे, तो इसीलिए उसको बोल रहे हैं हेटरोपॉलीमर ना कि होमोपॉलीमर। कह रहा है होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग अ नंबर एन टाइम, अभी ऐसा तो होता नहीं है, मैंने कहा था कोई सा भी ये यहाँ पे क्या सकता है, अमाइनो एसिड आ सकता है। कह रहा है दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न दैट सर्टेन अमाइनो एसिड आर एसेंशियल, कुछ कैसे होते हैं जो कह रहा है फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू सप्लाई थ्रू आवर डाइट, यानी कि जो हमें कहाँ से मिलते हैं, डाइट मतलब खाने का, खाने से। इसके बाद कह रहा है हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि जो भी आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन डाइट के साथ लेते हो, वो सब कौन से अमाइनो एसिड में मिलते हैं, एसेंशियल, कौन से मिलते हैं, एसेंशियल, ठीक है बेटा, इसीलिए प्रोटीन खाने चाहिए। देयरफॉर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और ऐसे भी होते हैं कुछ जो हमें नहीं खाओगे तब भी उनका काम चलता है। अच्छा ये नॉन एसेंशियल जरूरत क्या थी, बहुत जरूरत थी, अगर बेटा सोचो नॉन एसेंशियल ना होते तो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती, जैसे हम लोग वाटर की रिक्वायरमेंट दे दी, भाई पानी आपको पीना ही पीना है, ऐसा नहीं लगता कि हम ना पियो तो काम चल जाएगा, ऐसे ही हमें प्रोटीन होता कि खाना ही खाना है, ना खाओ तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो भी एड्रेस हो जाता, क्या करते हैं। तो ये सब बात समझ गए आप लोग, बताओ यहाँ पे इतना लिखा है, कह रहा है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसे भी ना कर लो।
और कह रहा है बेटा इसके बाद क्या है रोबिस्को रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजिनेज हाँ और कह रहा है इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायो स्फीयर पूरे दुनिया की अगर बात होगी तो कौन होगा रोबिस्को और पोलियन की बात होगी तो किसकी है एनिमल प्रोटीन इन दोनों लाइनों पर डन कर दो ये क्वेश्चन आ चुका है पोलियन वाला ये हो सकता है कि आ जाए रोबिस्को क्योंकि ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल जहाँ से आते हैं वहीं से आते हैं अगले पीछे लाइन से बस ऐसा नहीं कि वो टॉपिक तो वही है हर साल वही सिलेबस है और कभी कोई नीट में क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ उसके आगे आगे पीछे जा जाते हैं उस क्वेश्चन सही है चलो इसे एक बार रिवाइज करो बेटा अच्छा रोबिस्को तो बच्चे बताओ ये रोबिस्को क्या है अरे प्रोटीन तो है ही सारे एंजाइम प्रोटीन है ये है क्या रोबिस्को अरे शॉर्ट टर्म कौन बोल रहा है सर ये प्लांट फिजियोलॉजी में ग्रेन साइज नहीं ग्रेन साइज के लिए साइज नहीं होती C2 और C3 और C4 बताओ इसे बोल नहीं सब लोग राजी हो बताओ ये बताओ रोबिस्को का हमने नाम कहाँ पढ़ा था चलो इसने तो बोल दिया अब सब लोग राजी हो उसकी बात से कुछ लोग कह रहे हैं हमें मतलब ही नहीं है क्या बोल रही है कुछ लोग तो ऐसे बैठे होते हैं वो ये कहते हैं बातें अंदर मत आना बाहर ही रहना अंदर आके दिमाग कहीं सेटअप हुआ वो गड़बड़ हो जाए कि मैं क्यों ये पढ़ू मतलब होते हैं पढ़ना ही नहीं चाहते अरे चलो ध्यान करते हैं रोबिस्को का हमने नाम सुना था सही कह रहे C3 और C4 लेकिन आपको ध्यान होगा रोबिस्को का नाम हमने देखा था C3 C4 साइकिल होती है इसका मतलब जहां पे क्या होता है बेटा बताओ जो अरे जो CO2 फिक्सेशन होता है CO2 फिक्सेशन होता है लाइट एक्शन होती है उसके बाद कौन होती है डार्क एक्शन मैंने कहा था वहां पे रोबिस्को का काम होता है रोबिस्को एक तो ऑक्सीजन से बाइंड होता है और CO2 से भी होता है कभी कभी ये ज्यादा ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन से बाइंड जाता है इससे प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन ध्यान है और बेटा इसके वो बिल्कुल वेस्ट होती है ठीक है और वो C4 प्लांट में नहीं होती है क्यों क्योंकि बंडल सी सेल और मेजर सेल दोनों होती है उसमें चलो ये कहानी सबको समझाएंगे बाद में ठीक है पहले ये बताओ ये बात नहीं समझ गए ठीक है इसके बाद बहुत अच्छी यूनिट स्टार्ट होगी जो मुझे बहुत मजा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी सही है इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगी और प्लांट फिजियोलॉजी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन पढ़ाता मैं मतलब उसमें भी आता है मुझे अच्छा था खाली दो चैप्टर बचे फर्स्ट ईयर में उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी स्टार्ट और आपका बकाया सब सिलेबस कंप्लीट चल रहा है ध्यान रखना आपका खाली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मुझे लग रहा है एक टॉपिक रह गया है जिसमें तुम्हें पढ़ना है फंगस के बारे में अब की साल मैंने फंगस नहीं पढ़ाया ना बताओ कुछ कह रहा है मुझे क्या पता बेटा बोला करो फंगस नहीं पढ़ाया मुझे ध्यान है मैं ये चैप्टर खत्म होगा जैसे कल हो जाएगा ये कल तो हो जाएगा ना तक कल हो जाएगा कल के बाद परसों एक लेक्चर और फ्री है तो उसमें मैं जो सेकंड चैप्टर का वो टॉपिक है फंगस और जो वायरस के बारे में वो सब कंप्लीट कर दूंगा ठीक है फिर हमारा सिलेबस का तो एक्यूरेट कंप्लीट चल रहा है कोई भी किसी का सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा आप लोग तैयारी रखो भगवान भरोसे हो गया हो जाए तो अच्छी बात है ना हो तो अच्छी बात है क्या दिक्कत है तुम लोग तो ए, वैसे अगर मैं नीट का तरीका बताऊं आप लोगों को बेटा आप लोगों को इतना तैयार करना चाहिए जब देखो चैप्टर सिलेबस तो मैंने बता दिया प्लांट म्यूनम और उससे कहते खत्म कर डालो बस अब तुम आराम से बैठो होगा तो अच्छी बात है नहीं होगा तो फिर अच्छी बात है क्या दिक्कत है तो ये चक्कर मत रहो कि मतलब टेस्ट हो ही हो ना हो तब भी सही है लेकिन आप लोग बेटा इतने क्वेश्चन घर पे भी लगाते रहो कि आपको कभी एहसास ही ना हो कि टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ तो आपको अपनी खाली क्वालिटी दिखाना है बस आखिर वो किसके लिए मेरे लिए समझ रहे हो बकाया बेटा आप इतना जो टेस्ट दोगे यहाँ पे 90 क्वेश्चन करोगे वो घर पे भी कर सकते हो आराम से क्लॉक लगाओ 90 मिनट का एक और टेस्ट दो घर पे बैठ रोज रोज मैंने डेली कहा ये बात मैंने कहा था क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं लगाने कि 100 क्वेश्चन लगा रहे हो 4 घंटे में मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन लगाया करो तो 90 मिनट लगाया करो बल्कि बांट लिया करो कि मुझे 100 क्वेश्चन खाली लगाने हैं आज और वो कितने मिनट लगाने 90 मिनट में ऐसा सुनना कि 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ रहे हो 3 घंटे में आराम से हल्के हल्के गाने सुन के मूवी देख के 90 क्वेश्चन लगा लिए अब तो हम मान बन गए ऐसा नहीं करना है बेटा एक टारगेट बनाना है कि फोन हमारा लगा एयरप्लेन मोड पे और 90 क्वेश्चन हमें लगाने वो भी कितनी देर में 60 मिनट में कितनी देर में एक स्पीड भी लेके चलो अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो सही है यहाँ आके आपको खाली प्रूफ करना है बस
ये सर लो एक टेस्ट है तुम्हारे क्वेश्चन थे लो पकड़ो कहीं है कर दिए सारे सॉल्व। इतना तैयार रहो आप लोग और इतना तैयार रहोगे तो फिर एक ऐसा होता है ना कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ या फिर यहाँ पे इतने भी जितने भी लोग हैं चाहे सर हो गए कोच मंडे सर या कोई भी हुआ बेटा खुश तो तभी होगा जब आप लोगों से जब आप लोग रिजल्ट दोगे सही है या मैं तो तभी खुश होऊंगा आपको जब आप रिजल्ट दोगे। ऐसा ना कि आप लोग खाली बस मुझे अभी तो नहीं पता है ना कि आप लोगों का आप लोग कैसे हो पढ़ने में मुझे नॉर्मली थोड़ा बच्चों को पता है कि हाँ लगभग एवरेज सही है लेकिन हर बच्चे का मुझे कब पता लगेगा जब आप लोग एक बार टेस्ट दे दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ किस बच्चे के कितने नंबर आए। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे कम नंबर आएंगे तो मैं सोचूंगा ये तो बहुत बेकार बच्चा ऐसा नहीं है मैं सोचता हूँ कि वो ज्यादा मेहनत करे फिर मैं उसका फोकस ज्यादा रखूंगा थोड़ा सा कि आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है। टेस्ट का मतलब आपको आपको भागना नहीं है उससे आपको उसको क्या करना है फेज करना है। क्या करना है बेटा फेज और आप लोग फेज करना होगा। ये हाई स्कूल नहीं है ये एक भरोसा होता है यार 200 रुपए रख देंगे कॉपी में काम चल जाएगा। ये एक भरोसा होता है कि बराबर लड़का अच्छा बैठ गया हमारे। अरे ऐसे बहुत बच्चे होते हैं डिपेंडेंट रहते हैं। एक बच्चा हाई स्कूल मेरे ऊपर डिपेंडेंट था पूरे पेपर मैंने दिलवाए थे उसके फेल नहीं हो गया बहुत अच्छे नंबर आए उसके। बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी मेरे पास बैठा है मैंने उसकी हेल्प भी की अभी तक सही है। और इसके बाद सुनो मैंने ये बात तुम्हें बताई थी यहाँ तक बीएससी होता है बीएससी उसका एक पेपर होता है तुम्हें पता होगा इन्वायरमेंटल साइंस का होता है पता नहीं अरे होता नहीं ऑब्जेक्टिव वाला अब बंद कर दिया पहले होता था ए तो इधर सुनो तो एक साल में एक बार पास करना होता है। तीन साल के बीएससी होता है तुम एक बार पास कर दो बात खत्म सही एक बार करना होता है। अब बच्चे बहुत होते हैं सारे डरे हुए होते हैं वो तो पहली बार ही देते हैं उसका चांस ये होता है कि पहली बार ना हो पाए दो बार में कर दो दूसरी बार मतलब पढ़ दो दूसरी बार ना हो पाए तो तीसरी बार में तीन साल में एक बार पास कर दो बस। अब मैंने पहली बार तो सोचा ही नहीं था क्योंकि मेरे हिसाब से आदमी पहली बार कैसे सोचेगा कि तीन साल है हमारे पास तो एक बार देना है खाली तो कभी नहीं सोचूंगा या अभी दो साल हैं। मैंने कहा चलो अगले साल देखते हैं दे देंगे। अब क्या हुआ अगले साल को एडमिट कार्ड हो गया जब पेपर देने जा रहा था वो पेपर होता है 5-10 बाद जब एग्जाम हो जाते हैं वो अब एडमिट कार्ड हो गया तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि एडमिट कार्ड लाओ निकलवा के दे ही आता हूँ। फिर मैंने कहा सुनो अगले साल को देखा जाएगा अब बची लास्ट साल आपको पास करना ही करना है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस पास कर दूंगा आराम से 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें तुम्हें लाने होते हैं 50-60 क्वेश्चन बस सही होता है ऑब्जेक्टिव होता है। अब बेचारी क्या हुआ कि जब जो थर्ड जो बेचारा बेचारी थी जो थर्ड में आते हैं जो बच्चे पेपर देने वो लगभग लगभग वो बच्चे आते हैं जो पहले दो साल में फेल हुए होते हैं सही है। अब एक दो बच्चे बैठे होते हैं जो इतने ही कते अपने आप से कोई टेंशन ना लेते वो बैठे होते हैं। अब मेरे अब वो क्या करते हैं टीचर को पता होता है कि बच्चे दो साल के फेल भी हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करते कि तुम अगर देख रहे हो तो वो कहेंगे क्यों देख रहे हैं दूसरे का या कुछ कर रहे हो ऐसा नहीं करते वो सही। टीचर भी सोचते हैं चलो पास जाने को बच्चों को एक ही पेपर है। अब एक लड़की मेरे बराबर में बैठ गई मेरे साथ लड़कियों को बैठती है मेरा नाम अंशु है अंशु नाम की लड़कियाँ हर जगह होती हैं दो चार जब भी जाओगे तुम अगर अल्फाबेट से बैठा तो लड़कियाँ मिल जाती हैं मुझे अंशु नाम की। तो क्या मैंने गेट एग्जाम दिया था तो मेरे क्लास में सब लड़कियाँ थी आस पास मंगाई लड़का था एक तो देखो तो वो बता क्या बोली बोली भैया मुझे पास करवा दो कैसे करके तो मैंने कहा शोर मत करो गड़बड़ ना हो जाएगी मैं भी मतलब मैं दे रहा था पहली बार वो आई तीसरी बार मतलब दो बार फेल हो चुकी थी तो अब मैं सोच रहा था कि मैं ही फेल ना हो जाऊँ कहीं ये टेंशन हो जाए फिर बाद में और मुझे गालियाँ दी बाद में। तो मैंने सोचा मैंने कहा शांति से मेरे को देखते रहना मुझे स्टम मत करना मुझे भी पास होना है। तो मैंने 100 क्वेश्चन किए उसने 100 क्वेश्चन पूरे मेरे देखे मेरे नंबर आए 92 100 में से 92 क्वेश्चन सही हुए। अब मैंने चलो उसका रिजल्ट देखा अपना सब तो उस रिजल्ट पास होने से ज्यादा मुझे फिक्र पता क्या था वो वाला टेस्ट की जो मैंने किसी को दिखाया था क्योंकि वो किसी मेरे भरोसे बैठा था। जब मैंने देखे 92 मार्क्स फिर मैंने यार ये भगवान चलो ये बहुत अच्छा और उसके भी 92 ही है उनके। तो ऐसा होता है कि मैंने हेल्प किए तो कहीं ना कहीं ठीक है। तो ये बेटा वो वाले पेपर नहीं है। नीट का पेपर कैसा होता है कि आप लोगों को हर दिन मेहनत करनी होगी कि अगर आपको हर दिन मेहनत करोगे तो आपको 3 घंटे में उसका रिजल्ट देना होगा। ऐसे ही टेस्ट का मतलब होता है जब आप टेस्ट देने आते हो यहाँ पे तो उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है या आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया है तो आप लोग उसका रिजल्ट कितना दे पा रहे हो। और अगर आप टेस्ट में रिजल्ट नहीं दे पाए तो आपको क्या फायदा पढ़ने का बताओ। चाहे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो चाहे कोई 1 घंटा पढ़ रहा हो मुझे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोग 12 घंटे घर पे पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़ रहे हो मुझे बिल्कुल मतलब नहीं कि आप लोग घर पे क्या कर रहे हो।
मुझे मतलब है कि जब आप टेस्ट देने जाओ तो आपके टेस्ट देने आओ तो आपके बायोलॉजी में नंबर होने चाहिए सही, और दूसरा जब आप नीट में पेपर देने जाओ तो आप वहाँ पे आपके बायोलॉजी में नंबर से होने चाहिए, कि आपको वहाँ जाके या टेस्ट में कोई बात ऐसी ना लगे कि आप वहाँ जाओ तो आपको खुद में ये लगे कि ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इतना आप लोग मेहनत करो, और उससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं कि आप कैसे पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो। अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हो तो मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो तो इसका मतलब ये है हो तो तब भी सही, लेकिन मतलब मेरा मतलब ये रहेगा कि आप लोग और ज्यादा मेहनत करो, जिससे बेटा देखो टीचर का काम क्या होता है, बच्चे का भला हो जाए बस, कि वो उसका भाई बायोलॉजी में अगर आपका भला नहीं हो पाया तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कर पाओगे, मेन तो बायोलॉजी है ना। और आप लोग कोशिश किया करो बेटा बायोलॉजी में आपके ध्यान रखना, नीट में अगर बायोलॉजी में आपके 90 में से 80 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ना कभी उम्मीद करना सिलेक्शन की, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट होता है इसमें आप 90 में से 80 सही कर सकते हो, समझ रहे हो। और बकाए तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा अगर आपके 2-4 क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तब भी, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि बायोलॉजी में पूरा पूरा सही कर गया हूँ, और ये कोशिश ऐसा नहीं कि नीट में आप भगवान बन जाओगे एकदम जाके, या वहां पे श्री राम आएंगे आपके हाथों पे शक्ति डाल के और ऐसे सही करने लगेंगे, ए बी सी सब सही जाएगा बेटा, ऐसा वहां पे नहीं होगा। ध्यान रखना ये टेस्ट ही तो आपके फाइनल रिजल्ट दिलवाते हैं, अगर आप पहले टेस्ट में बायोलॉजी में 90 में 80 क्वेश्चन कर पा रहे हो सुनो, तो कोशिश करना कि अगली बार को मैं 81 सही करूँ टेस्ट में, उससे अगली बार में 83 सही करूँ, उसके बाद 84 सही करूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ कर रहे हो 40 और बाद में कह रहे हो कि मैं तो सर तुम्हें दिखाऊंगा नीट में जाके, वहां पे तो मैं 90 सही कर दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। इतने आपके यहाँ आएंगे उतने वहां वहां और कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो कोशिश करना किसी बच्चे के एवरेज बच्चा है तो 50-60 क्वेश्चन सही करे बायोलॉजी में 90 में से, और जो अच्छे बच्चे हैं वो लगभग 70+ यहाँ पे सही करते रहे नीट के, बहुत सॉरी टेस्ट में, ठीक है। 70+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो आप लोग ये अच्छी तैयारी कर रहे हो, और बकाए जो पूरी मेहनत कर रहे हैं तो बेटा उनके तो 80+ होने चाहिए। हाँ 10-5 क्वेश्चन से गलत हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों से, क्योंकि आप लोग इतना यहाँ पे फोकस भी नहीं कर पाते और ध्यान भी नहीं देते, तो 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन के एवरेज आपके सही होने चाहिए नीट में। यहाँ पे अगले आ जाओ, इधर देखो बेटा, आप इधर देखो, हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, देखो एक बात हम करो बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, क्या होता है बेटा एक से ज्यादा, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है शुगर, जब एक से ज्यादा शुगर आपस में जुड़ी होती है तो उसे क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, मोनोसैकेराइड भी होती है और बेटा डाइसैकेराइड भी होती है, कौन सी होती है डाइसैकेराइड। जैसे आप लोगों को मैंने कल बताया था, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है सिंगल शुगर। आप लोग स्टार्च खा रहे हो, क्या खा रहे हो स्टार्च, आप लोग खाना खाते हो भाई पेड़ी तो खाते हो पेड़ पौधे, आप लोगों ने खाए आपने स्टार्च खाया, या आपने मुर्गा खाया, क्या खाया मुर्गा, और तो बेटा उनके अंदर भी स्टोर फॉर्म कौन सी होती है ग्लाइकोजन, मुर्गा के अंदर कौन सी होगी और पेड़ पौधे के अंदर कौन सी होगी स्टार्च। अब आप लोग पता होगा स्टार्च क्या है पॉलीसैकेराइड क्या है, मुर्गा क्या है उसके अंदर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भी क्या है पॉलीसैकेराइड क्या है। इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होती है, पाचन तंत्र होना चाहिए, तभी हम पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करेंगे मोनोसैकेराइड में, किसमें करेंगे मोनोसैकेराइड में। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, क्या है स्टार्च है, तो उसको बेटा आप लोग पहले कन्वर्ट करोगे मोनोसैकेराइड में, किसमें करोगे सिंगल शुगर में। लेकिन अगर कोई मोनोसैकेराइड ही है, क्या है मोनोसैकेराइड, तो क्या उसको ब्रेकडाउन करने की जरूरत है नहीं, तभी तो डॉक्टर जब बहुत बीमार होते हैं डॉक्टर क्या कहता है ग्लूकोज लो, ग्लूकोज क्या है मोनोसैकेराइड क्या है। ऐसे आप दूध पीते हो कौन सा, उसमें क्या होता है लैक्टोज, और लैक्टोज कैसी होती है डाइसैकेराइड, पॉली नहीं डाइसैकेराइड, कौन सी होती है सही है। इन सबको टूटना ग्लूकोज में ही है, यानी कि मोनोसैकेराइड में ही ग्लूकोज इलेक्ट्रोज मिल जाएगी, इलेक्ट्रोज भी कैसी होती है मोनोसैकेराइड, मतलब चाहे डाइसैकेराइड हुआ चाहे पॉलीसैकेराइड, अगर उसको ब्रेक डाउन होना है उसका तो वो होगा हमेशा किसमें मोनोसैकेराइड में। तो इन्होंने बेटा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को इग्नोर कर दिया और इन्होंने किताब में डायरेक्ट इसको दे दिया पॉलीसैकेराइड। मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा बताया मोनोसैकेराइड के बारे में और पॉलीसैकेराइड के बारे में, जिससे आप समझ जाओ
कि ये पॉलीसेक्राइड आया कहाँ से, आपको पता होना चाहिए मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड क्या है, क्या करना है? एक बार ले तो गए थे वो बच्चे हंसते आए ऐसे कहते हैं। ये देखो बेटा आप लोग थोड़ा ध्यान लगा करो, ठीक है? मैं हालांकि कह दूंगा अभी जाके, वो बच्चे पहली बार आए थे इसलिए सब सही है। बकाया आप लोग कल से ऐसा मत करना बेटा, वो अगर कल भी आ गया ध्यान रखना। अगर अभी जब पोस्ट सर आए थे खुश फ्रेंड सर, तो बच्चों की किताब नहीं थी। और आप लोगों को पता है मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, ये भी पता है आप लोगों को, और एनसीईआरटी मेन है। अगर आप लोग किताब ही नहीं तो आप लोग फिर क्यों पढ़ने आ रहे हो बताओ? ये बात तो सही है, ये बात भी तो सही है बेटा। बुक तो जरूरी है ना, अगर आप यहाँ पे आए तो क्यों क्यों आए हो? खाली बैठने के लिए आए हो क्या? बुक होना चाहिए। तो आप लोगों को बेटा एक बार हो सकता है सर कुछ ना कहें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो दोबारा आ गया क्लास में और जिस बच्चे किताब में निकली और उसका नाम पहली बार में भी लिखा हुआ है, तो 100% बता रहा हूँ वो बच्चे का क्लास कैंसिल हो जाएगा। ये बात मैं कहते 100% बता रहा हूँ, गलती कर देना धोखे से भी, सही है? अगर वो सर दोबारा कभी भी आ गया रैंडमली चेक करने और आपके पास किताब ना हुई, तो ध्यान रखना आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल, सही है? क्योंकि ये कतई मैं बता दे रहा हूँ, फिर बाद में कहोगे सर ये अब ये क्या कैसे ही होगा, वो सही नहीं हो पाएगा क्योंकि सर ने कह दिया तो कर दिया। बेटा वो आपका आपको लग रहा है नहीं किया हुआ है, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो उनके पास है, वो रजिस्ट्रेशन मान हो आप लोग है। अगर आप यहाँ बैठ रहे हो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा डिटेल गया हुआ है, सही है? उनके पास है रजिस्ट्रेशन का मतलब, अभी आपके वो भी बन गए हैं, वो क्या बोलते हैं, मिल गए आपको बेटा वो मिल जाएंगे आई कार्ड, और आप लोगों को बैठ के आना पड़ेगा, आपका आई कार्ड चेक होगा। सर हम दूसरी क्लास में, अरे मिल जाएगा तुम्हें टेंशन ना, इसके बाद सुनो दूसरी जनो चलो लैपटॉप, ये लैपटॉप तो मिलने की बात है, ठीक है ठीक है, लैपटॉप की यूजी से कहेंगे लैपटॉप दे दो बच्चों को, इतनी मेहनत करना चाह रहे बेटा, सिलेक्शन तो लो हम लोग लैपटॉप से, ए सर तो बोल रहे थे जिसके सारे मार्क्स आएंगे मिल जाएगा, क्योंकि पता है ए ये सब सुविधाएं आप लोगों को क्या लग रहा है, ये बेटा सब बच्चों को मिलेंगी। आप लोग ये चक्कर ना रहो कि हम खाली आ रहे हैं बस टाइम पास करना, टाइम पास मत करो यहाँ पे। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको ऐसा तो हो सकता है कि आप लोग अगर इस कोचिंग से पढ़े हुए तो आपको कुछ अलग बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि सब कुछ योगी जी के हाथ में, ठीक है? जो कहते हैं पहली बात, दूसरी बात नरेंद्र मोदी के हाथ में, तो दोनों भैया भैया हैं। दूसरी बात सुनो, ए दूसरी बात सुनो बेटा, आप लोगों को ये तो पता होगा, ए ये तो पता होगा कि जब पहली बार अगर चला था यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं था, मैं पढ़ाने आता था, मार्कर साथ में लेके आता था, खुद का बंदा अपना मार्कर लेके आता था। और आज यहाँ पे बेटा हर एक आपको पता होना चाहिए, सरकार ने जैसे सर है कोर्स पैनल सर, ये भी तो गवर्नमेंट है, आईएएस क्वालीफाई है ये, समझ रहे हो? तो अब ये सरकार लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? जिससे संस्था बहुत आगे तक जाए। और आप लोग को लेकिन ये कब चल पाएगा? जब आप लोग रिजल्ट दोगे इसका, सही है? अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर क्यों सरकार इतना फ्री में करेगा? आपके लिए हर टीचर आता है, सही है, ए पढ़ाने के लिए, इसके बाद आपसे एक भी रुपया नहीं जा रहा है, जीरो फीस है बिल्कुल, और आपके लिए सब सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं आने वाले टाइम में ड्रेस तक बन जाएगी इसकी, कि आप लोग बैक अदर एसी वगैरह सब लगेगा। अभी बताओ किस साल ये लग गया, ये था कि लास्ट ईयर? नहीं मैं कहता रहा हूँ, मार्कर में खुद का लेके आता था, भूल जाता था बच्चों से, ऐसे ही कहता था कि बेटा भूल गया। और आज यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, ठीक है? तो ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो सब आपके ऊपर है, आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, और ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट होगा, ये भी आपका रिकॉर्ड पूरा ऊपर तक जाता है। ये ऐसा नहीं कि आपके जो साइन वाइन होते हैं या फिर आपके जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सब यही रहता है, ये सब पूरा बांध जाता है मुख्यमंत्री तक, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट रहे वो अच्छा रहे, जिससे आपको कल को अगर सिलेक्शन आपका होता है तो आपको सारी सुविधाएं मिले, और नंबर भी आपके अच्छे आने चाहिए नीट में, जिससे आपको अगले भी सुविधाएं मिले, ठीक है? और ये देखो क्या, देखो एक बात और सोचा करो, हमेशा तुम लाइन में लगे रहो, कुछ पता तो ना है कब नियम कौन सा क्या बन जाए, भाई कल को जो बच्चे पछता यार हम तो ऐसा कर नहीं पाए, फिर बाद में कुछ सुविधा मिल गई फिर कहोगे अरे हमने तो ऐसा कर नहीं पाया, हम तो पीछे रह गए। जब आप लोग हो उसमें इन्वॉल्वमेंट तो इन्वॉल्वमेंट रहो पूरी तरीके से, आप अच्छे नंबर लेके आओ, आपकी टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए, सही है? आपका रिकॉर्ड अच्छा आना चाहिए, और क्या चाहिए? यही चाहिए बस आपसे, आपसे ऐसा तो ना कह रहा है कि यहाँ 10,000 रुपये जमा करो, सही है?
और आपका प्रेजेंट भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन आप लोग गायब हो गए, 20 दिन गायब हो गए, 21वें दिन बैठ गए यहाँ के। बेटा ऐसे तो रहो कि डेली तो आओ, कम से कम डेली नहीं तो एक आदमी छुट्टी चलो बीच में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे डेली रहो, ठीक है, मतलब प्रॉपर। अगले देखो, अगले जाओ आप, अगले पढ़ लो बेटा। चलो ये हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या पढ़ते हैं? पॉलीसेक्राइड। मैंने कहा था मोनोसेक्राइड भी होता है और डाइसेक्राइड भी होता है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड भी होता है। मैंने कहा था मोनोसेक्राइड का मतलब क्या है बेटा? सिंगल शुगर। डाइसेक्राइड का मतलब 2 शुगर और पॉलीसेक्राइड का मतलब 1 से ज्यादा शुगर, ठीक है। मोनोसेक्राइड का मतलब सिंपल सा होता है, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोज हो गया, ये सब कौन शुगर है? मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड जैसे मान लिया आप लोग गेहूं खाते हो, गेहूं उसमें कौन सा होता है पता है आपको? माल्टोज। कौन सा होता है? माल्टोज। इसके बाद आप लोग क्या खाते हो? दूध पीते हो, उसमें कौन सा होता है? लैक्टोज। ये सब तुम्हारी कौन शुगर है? डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में अब यहाँ पे पॉलीसेक्राइड दिया तो आप लोग पॉलीसेक्राइड के बारे में समझो, आपका जरूरत है डाई और मोनो पढ़ने की, लेकिन आपको मोनो और डाई के बारे में पता होना चाहिए किसके, इसको पढ़ने के लिए, पॉलीसेक्राइड को समझने के लिए। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे देखो कह रहे थे एसिड इंसॉल्वेंट पैरेंट आल्सो हैज पॉली। आपको बताया बेटा एसिड इंसॉल्वेंट में कौन था? पॉलीसेक्राइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? एज एनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी एक क्लास है। पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। ये क्या होता है? पॉलीसेक्राइड शुगर्स का एक लॉन्ग चेन होता है। अगले कह रहा है दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एंड बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड लगे होते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड। मेनली तो देखो आपको फंक्शन तो अलग-अलग पता है, जैसे स्टार्च है आपको पता है क्या होता है बताओ? प्लांट का यानी कि स्टोर फूड है, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है एनिमल एनिमल्स की। इसके बाद इसमें इनुलिन आएगा, क्या आएगा? इनुलिन। इसके बाद इसमें आएगा सेलुलोज, बताओ क्या होता है उसका? वो होता है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, यानी कि स्ट्रक्चर सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज का। तो बस यही सब लिखा हुआ है इसके बारे में, पढ़ लो इसके बारे में। देखो इसके बाद कह रहा है ए फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। अभी कह रहा है कि जो सेलुलोज होता है उसके बाद एक टाइप के ग्लूकोज बहुत सारे लगे होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? सेलुलोज। और जिससे क्या बनी होती है? प्लांट सेल वॉल। क्या बनी होती है? अगले कह रहा है सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। इस तरह नाम है यहां पे इंपॉर्टेंट, सही है। अगले कह रहा है सेलुलोज ए स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ये आपको पता ही है बात, तो पता है ना कि जो स्टार्च होता है वो प्लांट प्लांट सेल में क्या करता है? स्टोरेज फॉर्म होती है फूड की, स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करता है प्लांट। कह रहे हैं एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। आपको पता है ग्लाइकोजन के बारे में बेटा? इसको जैसे ये देखो स्टार्च को और सेलुलोज को इनको बॉक्स में कर लो, सेलुलोज हो गया और क्या हो गया बेटा? ग्लाइकोजन हो गया और क्या हो गया? स्टार्च। क्या हो गया? ये हो गया स्टार्च। इन तीनों को बॉक्स में करो, ये तीनों क्या है? पॉलीसेक्राइड। क्या है बेटा? अब ग्लाइकोजन तो आप जानते हो एनिमल सेल जो होता है, एनिमल अपना फूड स्टोर करता है कौन सी फॉर्म में? ग्लाइकोजन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बेटा? कह रहा है इनुलिन, ये भी क्या है? पॉलीसेक्राइड। इसे मिलाने करो, ये जब पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। इन अ पॉलीसेक्राइड चेन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज ब्रांच एंड सो इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन द स्टार्च आयोडीन बिलो। अच्छा आयोडीन जो टेस्ट होता है उसमें क्या पता लगता है कि स्टार्च है या नहीं है? ये पता लगाता है। आपने आयोडीन टेस्ट और भी पढ़ा होगा, लीप वगैरह पढ़ा होगा, पड़ोस में टेस्ट करते हुए आयोडीन आयोडीन को क्या होता है? आयोडीन क्या करता है? कलर वगैरह ये सब सिंपल होता है, ठीक है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। अगले देखो प्लांट सेल वॉल किसकी होती है बताओ? सेलुलोज की। तो ये क्या है? पॉलीसेक्राइड। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर। ये भी लर्न कर लो बेटा, इसे इसे करो मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर। नेचर कौन है? सेलुलोज। सेलुलोज सेल वॉल बनिए तो हो गई। अगले कह रहा है दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड क्या होता है? काइटिन। काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। अच्छा ये बताओ काइटिन यहाँ पे लिखा है एक्सोस्केलेटन, ठीक है,
आप लोग बताओ काइटिन का और क्या किसका स्केलेटन होता है? काइटिन की सेल वॉल होती है, हाँ सही है, फंगस। और बताओ कहाँ पे होता है? तीन चार जगह जो मेन है किताब में वो बोल रहा हूँ। एक तो हो गया काइटिन एंडोस्केलेटन, एक हो गया फंगस की सेल वॉल, एक बताओ और बताओ बताओ हैं? आर्थ्रोपोड्स में एंडोस्केलेटन होता है ना, और जगह बताओ एक जगह। अच्छा आपने एस्केरिस का नाम सुना है? उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है आउटर, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। वो भी किसकी होती है? काइटिन की, ठीक है। तो ये चार पांच जगह है यहाँ पे काइटिन प्रेजेंट होता है, बताओ नहीं चाहिए। कह रहा है दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। तो आपने कौन कौन से देखे? देखो कौन कौन से पॉलीसेकेराइड यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन और तुम्हारा क्या हो गया ये काइटिन। ये है ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड नहीं, मोनोसेकेराइड है। हाँ सही है। तो यहाँ पे इतने पॉलीसेकेराइड है, ये सारे हमको फंक्शन के पता है। काइटिन का भी पता है बेटा, इसके बाद तुमने स्टार्च का भी पता है, ग्लाइकोजन का पता है, सेलुलोज का पता है, और क्या होता है इन्यूलिन। वो ही फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, वो ध्यान रखना, ऐसी क्वेश्चन आएगा बहुत कुछ नहीं। अगले तुम्हारा क्या था बेटा? न्यूक्लिक एसिड। क्या था? आप लोग बताओ न्यूक्लिक एसिड के बारे में अभी भी आपको क्या नहीं पता है? वैसे मैंने डीएनए के बारे में सब कुछ बता दिया है। डीएनए में चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज, और चार्ज हो गया सॉरी, और चार्ज निगेटिव होता है। इसके बाद ओ एसिडिक नेचर का होता है डीएनए में। ये जो डीएनए होता है डायनेमिक फैशन में होता है। इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो वहाँ न्यूक्लियोटाइड का अगर मैंने पूरे सकता बताया था आपको, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में लगभग लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है। और न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में कौन होता है? डीएनए। कौन है? डीएनए या फिर आरएनए। ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? तो देखो इसके बारे में पढ़ लेना जल्दी से, अभी टाइम है आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन से, ठीक है? कर ले, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी इसके तीन लेक्चर है बेटा, टेंशन ना लो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक दो लेक्चर बचता तो मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ पीछे का पूरा, सही है? फिर इसके बाद स्टार्ट होगा, वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या होगा उसमें? तो पूरा सात चैप्टर करवाऊंगा। पहला उसमें करवाएंगे डाइजेशन। डिलीट हो गया मुझे पता है, लेकिन डाइजेशन पढ़ना जरूरी है। सब पढ़ोगे डाइजेशन ही पढ़ लो, सही है, वरना कुछ चीजें यहाँ पे जरूरी जाएंगी। और इसके बाद पढ़ेंगे वो लास्ट, वो तो पढ़ेंगे पूरा, ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सही है। और इम्पोर्टेंट यूनिट है ध्यान रखना ह्यूमन फिजियोलॉजी। 10-12 क्वेश्चन आते हैं हर साल ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलो ये बेटा आ जाओ न्यूक्लिक एसिड, किस पे आ जाओ? न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा ये बताओ ये न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद क्या रहे? अब बेटा पढ़ लो, ये किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड चैन होती है, और उससे क्या बना होता है? न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज द न्यूक्लियोटाइड। पता है आपको न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकल कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बेटा? ये होता है हेटेरोटिक साइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड इज अ मोनोसेकेराइड शुगर होती है, और थर्ड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट। मैंने कहा तीन चीजें होती हैं यहाँ पे। अच्छा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात किसकी कर रहा है? किसकी कर रहा है? अरे यानी नाइट्रोजन बेस की कर रहा है, किसकी कर रहा है? देख लो ब्रेकिंग, ये होते हैं ए टी जी सी और यू, सही है, इनकी बात कर रहा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसके बाद बेटा ये कह रहा है, क्या कह रहा है? सेकंड इज अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है यहाँ पे? पेंटोज शुगर। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी होती है बेटा? लिख दिया कोई बात नहीं, डीएनए में और आरएनए में होती है राइबोज, अगर आपको पता है तो। राइबोज
देख लिया। अब देखो अगले कह रहा है बेटा नाइट्रोजनस बेस है जो इसमें नाम किसके हैं, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। ये तो मैंने कहे थे आपको, कह रहा है एडिनिन, ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूट प्यूरीन, हमें क्या बोलते हैं प्यूरीन, और बकाया जो आता है पिरिमिडीन। हां पिरिमिडीन भाई एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, किसी कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो जल्दी। बेटा ये पढ़ लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ लिया, बताओ किसी को डाउट हो तो बायो मॉलिक्यूल्स में अभी तक। और बेटा पीछे का भी कवर करते रहो सब लोग, ध्यान रखना। हाँ और आप लोग एक बात और सुनो बेटा, मैंने आपसे बार बार कहा है 2-3 घंटे से कम मत पढ़ो घर पे जाके, अगर इससे कम पढ़ोगे बायोलॉजी बात कर रहा हूँ खाली तीनों नहीं कर रहा हूँ। हाँ हो सकते होमो, लेकिन नहीं बेटा एक बात और सुनो, नहीं मोनो नहीं हो सकते, होमो पॉलीमर का मतलब है कि सेम सेम सेम, और मोनोमर का मतलब है सिंगल। क्या बोल रहा है, नहीं ग्लूकोज कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ना ग्लूकोज नहीं बोला होगा, वो बोला होगा तुमने वो ये ना ये तो ये देखो कह रहा है सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। अब यहाँ पे समझो ये कह रहा है ये ग्लूकोज के लिए नहीं बोल रहा है, ये पता किसके लिए बोल रहा है, सेलुलोज के लिए बोल रहा है, क्योंकि देखो इधर देखो तुमने दो चीजें पूछी, ये क्या पूछा बेटा होमोपॉलीमर एक मोनोमर। देखो होमोपॉलीमर का मतलब है होंगे तो बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, और होमो का मतलब सेम सेम होंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज लगे तो होमोपॉलीमर हो गया, और मोनोमर यूनिट का मतलब सिंगल, जैसे मोनोसैकेराइड शुगर है जितनी भी वो कौन है मोनोमर यूनिट। हाँ सही है, हाँ ठीक बेटा क्लियर हुआ ये सब, ठीक है चलो इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग सब लोग किताब लेके आओ डेली, और सेकंड डेली सब लोग आओ ठीक है, छुट्टी मत किया करो। सर
चलो ठीक है बेटा है कल पढ़ लो।